न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल श्री बालाजी फैशन मोबाइल हॉस्पिटल बीएन घाटी वृंदावन रेसिडेंसी ब्लेस हॉस्पिटल विघ्नेश्वरा मार्बल श्री जानकी स्टोर एब्रोज माध्यमिक परीक्षा में मोबाइल से चीट करते पकड़ी गई छात्रा मोबाइल उत्तर पुस्तिका जब्त परीक्षा से किया गया बर्खास्त रानीगंज काजोड़ा में पारुल माली के घर में गोप बनने से इलाके में भय व्याप्त बांसकोपा औद्योगिक तालुक में निजी स्पंज आयरन फैक्ट्री के विरुद्ध ग्रामीणों का आक्रोश फैक्ट्री में धुआं से ग्रामीणों का जीना हो रहा दुश्वार बल्लभपुर पेपर मिल से सस्पेंशन ऑफ वर्क को नोटिस का लगातार विरोध जता रहा वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू पूर्व सांसद ने कहा अविलंब कारखाना शुरू किया जाए और बकाया पैसा दिया जाए माध्यमिक परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को मोबाइल के साथ पकड़ा गया आसनसोल के कुल्टी के एक हाई स्कूल में सोमवार को माध्यमिक परीक्षा के दौरान एक छात्रा को मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया परीक्षा केंद्र के निरीक्षकों ने उसे प्रश्न पुस्तिका और मोबाइल फोन के साथ पकड़ लिया उसके बाद मामले की जानकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई इसके बाद बोर्ड के निर्देश पर छात्रा को रिपोर्टेड अगेंस्ट कर दिया गया बोर्ड ने निर्देश दिया कि छात्रा इस साल परीक्षा नहीं दे पाएगी इस संबंध में बोर्ड जिला संयोजक राजीव मुखोपाध्याय ने बताया कि कुल्टी के नियामतपुर स्थित एक उच्च बालिका विद्यालय की छात्रा सोमवार को कुल्टी बालिका विद्यालय में परीक्षा दे रही थी परीक्षा शुरू होने के बाद कक्ष प्रभारी परीक्षक ने देखा कि छात्रा मोबाइल फोन से देखकर उत्तर पुस्तिका लिखने का प्रयास कर रही थी उसे तुरंत पकड़ लिया गया मोबाइल परीक्षा के प्रश्न और उत्तर पुस्तिका सहित कुछ सब कुछ जब्त कर लिया गया गतकाल माध्यमिक परीक्षार तृतीय दिन इतिहास विषय परीक्षा छिल एवं आमादेर पश्चिम बर्धमान जिलार कुल्टी सेंटर अंतर्गत एक परीक्षा केंद्र कुल्टी गार्लस हाई स्कूल एखाने जलधि कुमारी देवी उच्च बालिका विद्यालय एक छात्री कड़ा नजरदारी एड़िए कोनो भावे मोबाइल फोन निये परीक्षा केंद्रे प्रवेश करे एवं परीक्षा शुरू हवार पर परिदर्शकदेर तत्परताय नजरे आसे जे से मोबाइल फोन निये ढुके जाय एवं मोबाइल फोन देखे लेखार चेष्टा करछे तत्क्षणात सेई परीक्षार्थी परीक्षा बोर्डर नियम अनुजाई एवं सेंटर कमिटर सिद्धांत अनुजाई बातिल करा है एवं सेई संगे तार मोबाइल फोन एडमिट कार्ड रेजिस्ट्रेशन कार्ड तार उत्तरपत्र समस्त किछु सीज करा है श्रमिक नेता राजू आहूवालिया ने आज मेयर विधान उपाध्याय से एक बार फिर मुलाकात की और आसनसोल के सेंट जोसेफ स्कूल के सामने जिन दुकानदारों को कुछ महीने पहले आसनसोल नगर निगम द्वारा हटाया गया था उनके पुनर्वास के मांग पर एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की इस मौके पर उनके साथ कई दुकानदार भी उपस्थित थे राजू ने आरोप लगाया कि बीएनआर में कुछ ऐसे लोगों को दुकान दे दी गई है जो हॉकर नहीं है इनमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जाँच होनी चाहिए जो लोग इसके लिए दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए वहीं राजू आहूवालिया के द्वारा लगाए गए आरोप पर उपमेयर वसीमुल हक ने कहा कि जांच की जाएगी जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा সেই জন্য আমরা বারবার মেয়র সাহেব কাছে এসেছিলাম এর আগেও আমরা বলেছিলাম যে আপনি নোটিশ দিয়েছিলেন দোকানদাররা আপনার নোটিশে মানে সম্মান দিয়ে ওরা ওখান থেকে সরে গেছিলেন কিন্তু তারা দোকান পাননি কেন এখন দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের সামনে দোকানগুলো অনেকগুলো দোকান হয়েছে তাদেরকে যাদেরকে দোকান অ্যালট করা হয়েছে তাদের মনে অনেক জায়গায় অনেক লোক আছে তারা দোকানদারই নেই তারা বাইরের লোক কি করে দোকানটা পেল হকার আরে বারো মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাকে আপনি আমাকে পুনর্বাসন দিন আপনি আমাকে দোকান দিন দোকান পাচ্ছেন না আর যারা হকার নেই তারা একদম আরাম করে রবীন্দ্রনাথের সামনে দোকান পেয়ে গেছে আর অনেক দোকান কি করেছে দোকান পাওয়ারতে অনেক ভাড়াতে লাগিয়ে দিয়েছেন ওই যে রবীন্দ্রনাথের সামনে দোকানগুলো ভেঙেছিলাম ওইদেরকে দিয়েছিলাম কিছু দোকানটা ফাঁকা ছিল সেগুলো আমরা যে লরেটো সামনে যেগুলো ছিল তার পাকি পাকি বিক্রি করে তাদেরকেও দিয়েছি গ্যারেজওয়ালা ছিল ওরা বললো আমার গ্যারেজ হবে না এবার আজকে ওরা এসে সাহেব মেয়র সাহেবকে বলছে যে আমাদের ওইখানে দোকান দরকার তাহলে একজন একবার বলে আমি ওটা হবে না এবার বলছে হবে সেটা দেখা যাক কি বিষয় আছে না আছে এখন কিছু বলার ঠিক নাই যতক্ষণ আমরা কিছু ফাইনাল না করে নিই তখন কিন্তু কথা হয়েছে যে যারা হকার ছিল না তারাও দোকান পেয়েছে এটা তো ইনকোয়ারি বিষয় আমি বলবো আপনি পত্রকার নেই সেটা আমার বললে হবে সেটা ইনকোয়ারি করবে আস
रानीगंज के काजोड़ा इलाके में एक घर में भूदशान से अफरा तफरी मच गई। कुष्ठ कॉलोनी निवासी पारुल माली ने बताया कि कल दोपहर उनकी बेटी ने बताया कि उनके घर की जमीन धस गई है। वह अपने घर पहुंची तो देखा कि घर की जमीन धस गई है। इसके बाद उन्होंने आसपास के कुछ लोगों को भी इस घटना की जानकारी दी। लोग आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि अब शाम हो चुकी है इसलिए रात में अब कुछ नहीं हो सकता। पारुल ने बताया कि वह इस घर में अपनी बेटी के साथ रहती है। उनके पति का 1 साल पहले निधन हो गया और उनका बेटा अपनी बुआ के घर में रहता है। তো ঘুমিয়ে উঠলো তো পাটো ওখানে পড়ে গেছে তো পাটো মানে হস করে মানে আওয়াজ হয়েছে একটি তো ঢুকে গেছে পাটো তো দৌড়ে ও আমাকে ডাকতে গেছিল আমি পুকুরে ছিলাম যে মা আমাদের ঘরটা কি হয়ে গেল তারপর আমি এসে দেখছি তো মানে লাইট মারছি দেখছি তো গোটাই ভিতরটা মানে ফাঁপা ঢুকে গেছে তো সবাইকে আমি বললাম তখন অত কিছু তন করলো না তারপরে আবার দু একজনকে বললাম আর একজন আছে আমাদের কিরিক বলে নাম আছে ওকে বললাম তখন ও পার্টির লোককে জানালো সব কিছু বললো তো সবাই পার্টির লোক এলো দেখলো দেখাশোনা করলো তারপরে বলে ঠিক আছে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকালে এখন তো আর কিছু হবে না তো মেয়েটাকে নিয়ে আমি আই রাত্রেবেলা এখন কোথায় থাকবো কি করবো কজন ছিল বাড়ির ভিতরে কজন ছিল বাড়ির ভিতরে আমার মেয়ে আর আমি থাকি। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेवल पार्क आसनसोल 3। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल घाघरवड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसो। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में। फाइनेंस की सुविधा के साथ तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेली डंगाल आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दुर्गापुर के कांकसा के बांसकोपा औद्योगिक तालुक में निजी स्पंज आयरन फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं और राख से बांसकोपा गांव के ग्रामीण त्रस्त है। उनका आरोप है कि फसलों की कटाई नहीं हो पा रही है और मछली पालन भी नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि त्वचा रोग, हृदय रोग, मोतियाबिंद और पेट संबंधी समस्याएं भी हो रही है। आरोप है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया, एक तरफ ग्रामीणों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है और दूसरी तरफ बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कई बार फैक्ट्री अधिकारियों को मामले की सूचना दी है लेकिन वे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे पिछले साल भी आंदोलन में शामिल हुए थे। আমরা এখানে এসেছি যাতে আমাদের বালাজি পলিউশন দূর করে
যেন পলিউশন বন্ধ করে। বাসক গ্রামে পলিউশনের জন্য মানুষের প্রচণ্ড কষ্ট, বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, বয়স্কদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমাদের মানে থাকা দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে। আমরা এই জন্য আগে বছর এখানে ধর্মঘট করেছিলাম, তার জন্য আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের এখানে সব ঠিকঠাক করে দেবে, কালী বন্ধ করবে, কিন্তু আমাদের এখানে কোনো কিছু হয়নি বন্ধ। আবার সে যেমনকার পরিস্থিতি সে একই পরিস্থিতি ভুগছে। প্রচুর সমস্যা হচ্ছে, সকাল থেকে বাড়িঘর মানে কতবার করে যে মোছা হয় তার ঠিক নেই, কিন্তু তারপরেও কালি তো ছেড়েই যাচ্ছে। ঘর দুয়ার পরিষ্কার নেই, আমরা ছাদে ঘুরতে পারছি না, কিছু খেলেও সেখানেও কালি খাচ্ছি আমরা। বাচ্চাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে, আমার ঠাকুমা আমার জেঠু সবই সমস্যার সম্মুখীন, সবার শ্বাসকষ্ট, কেউ ভালো করে কোথাও বসতেও পারে না, বাইরে কিছুই হয় না, প্রচুর অপরিষ্কার থাকছে। বালাজি বলেছিল প্রথমে যে গ্রামে গাছপালা লাগাবে, গ্রামে কোনো পলিউশন উঠবে না, গ্রামের জন্য উন্নয়নের কাজ করবে, কিচ্ছু করছে না। প্লাস এখন যে অবস্থা হয়েছে, এত পলিউশন হয়েছে, তখন তো ইউনিট কম ছিল, এখন এত ইউনিট বাড়াচ্ছে, ইউনিট বাড়তে বাড়তে এত কোনো পলিউশন মেশিন চালাচ্ছে না, এত বাড়তে বাড়তে মানে বাড়িতে ছাদে ওঠা যাচ্ছে না, বাইরে কেউ বেরোতে পারছে না, বাচ্চাদের তো অবস্থা খারাপ হচ্ছে, কিছু না কিছু রোগ হচ্ছে, বয়স্ক লোকদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এই সমস্ত হতেই থাকছে। পুকুরের জল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বালাজির জলে, দূষিত জলে। आज आसनसोल जिला अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे मरीज या कैंसर से निजात पा चुके व्यक्तियों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यहां जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आसनसोल जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास, आसनसोल जिला अस्पताल के ऑंकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित मुखर्जी, आसनसोल जिला अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट कंकन राय, डॉक्टर गौतम मंडल सहित इस अस्पताल के तमाम अन्य चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। यहां पर कई ऐसे व्यक्ति भी मौजूद थे जो आसनसोल जिला अस्पताल में कैंसर के इलाज करा के ठीक हो चुके हैं या अभी भी जिनका आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 2021 से आसनसोल जिला अस्पताल में कैंसर का इलाज किया जा रहा है। आज ऐसे ही मरीजों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। এখানে যারা চিকিৎসা পেয়েছে, কেমোথেরাপি নিয়ে যারা সুস্থ হয়েছে, সেরকম পেশেন্টদের ডাকা হয়েছিল, তারা তাদের অভিজ্ঞতা শোনালো, এবং যারা ক্যান্সারে ভুগছে এখন চিকিৎসাধীন আছে তারাও আমাদের মধ্যে ছিল, এবং তারা যাতে মনের জোর পায়, যারা সুস্থ হয়ে গেছে তারা তাদেরকে তাদের মনের জোর দেওয়ার জন্য তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে শেয়ার করলো, এবং সেই অনুষ্ঠানটা ছিল আজকে। যে তাদের কথাগুলোকে শোনা, তো তাদের কথাগুলো আজকে আমরা শুনেছি, তাদের কথাই সুবিধে অসুবিধে আরও কী করে ভালো করা যায় তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছি, তাদের কাছ থেকে যারা ক্যান্সার জয় করেছেন আর কি, সেরে গেছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা গান শুনেছি, কবিতা শুনেছি, বক্তৃতা শুনেছি, তো সর্বাঙ্গীনভাবে একটা ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখান থেকে আমরাও অনেক কিছু শিখেছি যে পরবর্তীকালে আরও ভালো ট্রিটমেন্ট, আরও ভালো পরিষেবা দিতে গেলে আমাদেরকে আর কী কী করতে হবে। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। डेडलीस्ट टेरर अटैक ऑन इंडियन फोर्सेस, बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा, लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा के बाप कौन है।
আমি সরকার চালাবো, সিআরপিসি হবে, পুলিশের। रानीगंज के बल्लभपुर में पेपर मिल में 30 जनवरी से सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस लगा दिया गया है। वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू के तरफ से लगातार आंदोलन किया जाता रहा है। आज डीएलसी कार्यालय में एक त्रिपक्षीय बैठक की बात कही गई थी। इससे पहले आज सीटू की तरफ से डीएलसी कार्यालय के सामने एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पेपर मिल को अविलंब खोलने और पेपर मिल के श्रमिकों को 2 महीने के बकाया वेतन के भुगतान की मांग की गई। इस बारे में सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि 2 महीने से श्रमिकों को वेतन नहीं मिला है। 30 जनवरी से बिना किसी के साथ सलाह परामर्श किए कंपनी द्वारा सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस लगा दिया गया है। उन्होंने अविलंब श्रमिकों को 2 महीने का वेतन देने और कारखाना खोलने की मांग की। वहीं जब उनसे पूछा गया कि माध्यमिक परीक्षा के समय माइक बजाकर सभा किया जा रहा है, इस पर हेमंत प्रभाकर ने कहा कि प्रशासन द्वारा तय सीमा के अंदर ही माइक बजाकर सभा की जा रही है। डेप्यूटी लेबर कमिश्नर मीटिंग डेकेছিলেন 2 তারিখ। 2 তারিখে মালিকরা সময় চেয়েছে, তারা বলেছে যে আমরা ব্যাংক ইত্যাদির সঙ্গে কথাবার্তা বলছি, আমাদের টাকার দরকার আছে কারখানা চালাবার জন্য। কিন্তু তারপরে 2 তারিখের পরে ওরা 4 দিন সময় চেয়েছিল, 6 তারিখে আজকে সময় চেয়েছে। এই মিটিংয়ে আইএনটিটিসিকেও ডাকা হয়েছে এবং শ্রমমন্ত্রী, তিনি জানেন, শ্রম দপ্তর এই মিটিং ডেকেছে। এবং আমি একটা মনে করছি যে বেঙ্গল পেপার মিলকে কেন্দ্র করে শ্রম দপ্তরের যতটা তৎপর হওয়া উচিত ছিল তত তৎপরতা শ্রম দপ্তর দেখাতে পারছেন। ডেপুটি লেবার কমিশনার উনি এখানে থাকা সত্ত্বেও মালিকরা বারবার কি করে অগ্রাহ্য করে শ্রমিকদের যে কোনো কথাকে তারা অগ্রাহ্য করছে, এবং ওই কারখানাতে আজকে কয়েক বছর ধরে কোনো বেতন চুক্তি হয়নি, ঠিকা শ্রমিক হিসেবে তাদেরকে কাজ করানো হচ্ছে। बंगाल झारखंड सीमा पर संपर्क मार्ग रूप नारायणपुर बिहार रोड के टोल टैक्स के पिच सड़क की मरम्मत कार्य का शिलान्यास जिला परिषद प्रमुख मोहम्मद अरमान ने किया। जिला परिषद निधि से करीब 19 लाख रुपए खर्च कर 665 मीटर सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। इस सड़क की हालात काफी दिनों से खराब थी। जिला परिषद पदाधिकारी मोहम्मद अरमान ने बताया कि विधायक और मेयर विधान उपाध्याय के प्रयास से सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। इसके अलावा पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, समाज से भी भोला सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हम लोग जिला परिषद का रास्ता, इसका जिला परिषद रास्ता का रिपेयरिंग का चलते इसका प्राय 200 मीटर का एवं प्राय 2 लाख का रिपेयरिंग का रास्ता अवस्था खुबी खराब थी। हमारे माननीय विधायक हमारा सबाई बार बार बोले साथ रास्ता आज काम शुरू हो। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज,